और देश भर में बारिश से हुई तबाही के मंजर के कई वीडियो सामने आए जो दिल को दहला देते हैं। बिहार के कटिहार से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार के कटिहार में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्कूल की बिल्डिंग देखते ही देखते गंगा नदी में समा गई। समय पर मॉनसून ना आए तो परेशानी, और यही मॉनसून कहीं अगर लंबे समय तक ठहर जाए तो तबाही ला देता है। इस साल मॉनसून ने कई राज्यों में कहर ढा दिया है। बिहार, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में भयंकर बारिश से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बारिश ने कई लोगों को बेघर तक कर दिया है, वहीं जान माल का भी काफी नुकसान हुआ। तबाही भरे मंजर के कई वीडियो भी सामने आए। ऐसा ही दिल दहला देने वाला एक वीडियो बिहार के कटिहार से सामने आया है। बिहार में बारिश से गंगा नदी भयंकर उफान पर है। वीडियो में दिख रहा है कि गंगा अपने उफान पर है, उसकी लहरें तेज हिलोरें मार रही है। गंगा की लहरें स्कूल की बिल्डिंग से लगातार टकरा रही है। पानी के तेज बहाव से भारी कटाव भी हो रहा है। बार बार पानी की लहरें स्कूल की बिल्डिंग से टकराती हैं, जिससे स्कूल के नीचे की जमीन धस जाती है। देखते ही देखते स्कूल की पूरी बिल्डिंग गंगा में समा जाती है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त स्कूल में ना कोई शिक्षक थे और ना ही कोई बच्चे। गांव वाले थोड़ी दूर पर खड़े होकर स्कूल की बिल्डिंग को गंगा में समाते हुए देख रहे थे, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। वहीं शिक्षा विभाग ने एहतियातन बरतते हुए पहले ही परिसर में कक्षाओं पर रोक लगा दी थी और बच्चों को पहले ही दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, R90।